नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवा लर्निंग में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 10% जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन कोटा वो हमारे देश में लागू हो चुका है, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है और क्या क्या इसका फ़ायदा उठाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और संविधान में 124वां संविधान संशोधन करने के बाद ये हमारे देश में पूर्णतया लागू हो चुका है। और आज हम बात करेंगे कौन फ़ायदा ले सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए और नीट और जी की अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपलसरी 3 कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो सबसे पहले है इनकम लिमिट लेस देन 8 लाख पर एनम, आपकी जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड जो आपके पास 5000 एकड़ से कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है होम एरिया, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट, अगर आप शहरी इलाके में रहते तो आपका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए, और अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते तो 2000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन कंपलसरी होनी चाहिए जो आपको, अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है। तो मैंने इस पर भी पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर उसकी लिंक आ रही है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है इनकम सर्टिफिकेट, आपको अपना आय प्रमाण पत्र वो दिखाना है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में ITR का फॉर्म 16B, जो आप ITR फिल करते हैं उसका फॉर्म नंबर 16B भी आपको चाहिए होगा इसका फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। आमतौर पर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आज तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी उन्हें। तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हर चीज़ में हर जगह सरकारी फ़ायदा उठाने के लिए पैन कार्ड की बहुत अहमियत है, तो आप पैन कार्ड भी बनवा लें, और इसके लिए आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी इसके लिए आपको चाहिए होगा। तो अगर आप इन 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं और उसके बाद आपके पास अगर चारों डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो आप इस कोटे का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस, ये काफ़ी चैलेंजिंग था सरकार के लिए, क्योंकि ये अगेंस्ट था सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसके भी अगेंस्ट था। और ये संविधान में 124वां संशोधन करना पड़ा, उसके भी अगेंस्ट था। तो ये इसकी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस बिल की, और अभी ये हमारे देश में पूर्णतया लागू है। तो गाइस, ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में अन्य नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।